नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार के अब तक की बड़ी खबरों को। गुजरात सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली रिक्तियां। गुजरात अधीनस्थ चयन बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर इंस्ट्रक्टर हवलदार इंस्ट्रक्टर सब अकाउंटेंट सब ऑडिटर हेड क्लर्क सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर सैनिटरी इंस्पेक्टर वायरमैन मैनेजर के कुल मिलाकर 673 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या ITI या डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही पदवार योग्यता और अनुभव का होना भी अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.gssb.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। ईवीएम नहीं मिलने के कारण अधर में नजर आ रहा है प्रशिक्षण। पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव को लेकर अभी तक ईवीएम नहीं आने से प्रशिक्षण का काम अधर में नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ईवीएम 3 की खरीदारी नहीं होने के कारण चुनाव संबंधी प्रशिक्षण कार्य रुका हुआ है। इतना ही नहीं, अब तो आयोग भी ईवीएम की खरीद नहीं करने के कारण भारी दबाव में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंचायत आम चुनाव को लेकर सभी पंचायतों और वार्डों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को किया जाना है। इसके तहत चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के गठन की प्रक्रिया भी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मतदाता सूची और मतदान केंद्रों के गठन के बाद पंचायत आम चुनाव को लेकर पदाधिकारी और कर्मियों के साथ मतदान का प्रशिक्षण कराया जाना है। इस प्रशिक्षण में उन्हें मल्टीपोस्ट ईवीएम के प्रयोग की जानकारी दी जानी है, जबकि ईवीएम उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। बिहार के सभी फ्रंटलाइन वर्कर को मिलेगा 7 दिनों में टीका। बिहार में अगले 1 सप्ताह के अंदर फ्रंटलाइन वर्कर की कोरोना टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पहले चरण के स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका का दूसरा डोज दिए जाने के साथ ही दूसरे चरण के फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका दिए जाने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। विभाग को मार्च में तीसरे चरण के तहत 50 साल से कम गंभीर रोगों से प्रभावित और 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका दिए जाने की तैयारी शुरू करनी है। ऐसे में विभाग अधिक दिनों तक फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण को संचालित किए जाने से बचते हुए इसे जल्द से जल्द समाप्त करने की तैयारियों में जुट गया है। राजधानी पटना में रोबोट से मैनहोल की सफाई हुई शुरू। अब पटना नगर निगम हाईटेक अंदाज में काम करता नजर आ रहा है, जिसके तहत अब नगर निगम ने मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट को काम पर लगाया है, जिसके तहत बीते दिन ही पटना के कई इलाकों में इस रोबोट ने अपना करिश्मा दिखाया है। हालांकि नगर निगम ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इस रोबोट की मदद से सफाई का काम सही ढंग से हो गया तो निगम जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त मशीनों को मंगाने का काम करेगा। बिहार में हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि निगम मुख्यालय में रोबोट मशीन को लॉन्च किया गया है। इसको लेकर CSR मद से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने निगम को 40 लाख रुपए की वित्तीय मदद भी दी थी। पहली मशीन के खरीद के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और पटना नगर निगम के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। बंगाल में अब सियासी जमीन तलाश रहे हैं मांझी। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के बाद जीतन राम मांझी अब बंगाल में भी सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं, जिसके तहत अब बंगाल विधानसभा चुनाव में भी हम पार्टी को उतारने की तैयारी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी 17 और 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो पश्चिम बंगाल चुनाव पर कोलकाता में अपने पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा सिंह और अन्य के साथ विचार विमर्श करने वाले हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी ने इस बात की जानकारी दी और कहा है कि पश्चिम बंगाल में किसके साथ गठबंधन होगा और कितनी सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेना है। वहीं दूसरी तरफ बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल और संजय सिंह टाइगर ने पश्चिम बंगाल में सरकार के खत्म होने की बात कही है। पटना में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव का होगा 2 दिवसीय आयोजन। अब बिहार के ऐतिहासिक सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव को लेकर साथ ही इसकी महत्ता को समझते हुए मौजूदा दौर में 2 दिनों का अति विशेष आयोजन होने जा रहा है, जिसके बाद अब 27 और 28 फरवरी को शहर में इस पर सारगर्भित मंथन करने के लिए एक अतुल्य आयोजन ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव के नाम से किया जा रहा है, जिसके तहत लेमन ट्री होटल में होने वाले इस समागम में देश दुनिया के 150 से ज्यादा प्रबुद्ध जन जुटने वाले हैं, जो अलग अलग विषयों पर अपनी दृष्टि पत्र प्रस्तुत करने वाले हैं। इसमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, आर्थिक, सामाजिक मीडिया समेत अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रों के नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। इनका उद्बोधन बिहार के विकास को नई दिशा प्रदान करने में बेहद सहायक साबित होगा। RCP सिंह ने पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को अधिक से अधिक धारदार बनाने की कही बात। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने बीते दिन पार्टी मुख्यालय में संगठन की बैठक के दौरान बिहार जदयू महादलित प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ और छात्र प्रकोष्ठ के लिए अध्यक्ष का चयन करने की बात कही है। रत्नेश सदा विधायक को उत्तर बिहार का महादलित प्रकोष्ठ, कौशल किशोर विधायक को दक्षिण बिहार का महादलित प्रकोष्ठ, विपिन कुमार सिंह को उत्तर बिहार का किसान प्रकोष्ठ, नंद किशोर कुशवाहा को दक्षिण बिहार का किसान प्रकोष्ठ, शादाब आलम को उत्तर बिहार का छात्र प्रकोष्ठ तथा
तरह मोहित प्रकाश को दक्षिण बिहार का छात्र प्रकोष्ठ का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं मनोज कुमार को किसान प्रकोष्ठ तथा राधेश्याम को छात्र प्रकोष्ठ का प्रभारी चुना गया है। शेष प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रभारियों का मनोनयन भी शीघ्र किया जाएगा। नल जल निगरानी में महिला लाभुकों की बड़ी भूमिका। नल जल योजना पार्ट दो योजना के मेंटेनेंस के लिए पीएचईडी और पंचायती राज ने एक मेंटेनेंस पॉलिसी जारी करने की बात कही है, जिसकी स्वीकृति के लिए बहुत जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। पॉलिसी में महिलाओं की भूमिका निगरानी में बढ़ा दी गई है। हर वार्ड में पंप कब शुरू हुआ है और कब बंद हुआ, पानी कभी ब्रेक हुआ या नहीं, इसके लिए हर दिन दो महिला लाभुकों से प्रवेक्षकों को हस्ताक्षर लेना होगा, जिसके बाद उसे तुरंत लॉक बुक पर चढ़ाना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रवेक्षकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। पॉलिसी में एक निश्चित समय पर प्रतिदिन दो पालियों में मोटर पंप को चालू करना एवं बंद करना, लॉग बुक में प्रतिदिन मोटर पंप चालू बंद करने के समय की प्रविष्टि करना और साथ ही साथ वार्ड के दो महिला लाभुकों का हस्ताक्षर एवं मोबाइल नंबर लेना अनिवार्य होगा। अब घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं मशरूम, ये करिश्मा कर दिखाया है बिहार के मात्र 12वीं पास युवा किसान पीयूष राज ने। अपनी मेहनत से इस युवा किसान ने नायाब मशरूम किट तैयार किया है, जिसे अब तो BAU ने भी स्टार्टअप के तहत चयन कर लिया है, जिसके बाद जल्द ही इसके लिए बाजार भी उपलब्ध करवाने की तैयारी हो रही है। खबरों की माने तो इस नए उत्पाद की मांग गया, पटना और रांची में है। वहीं इस किट की खासियत को बताते हुए पीयूष ने बताया है कि यह 1.5 से 2 महीने तक रहता है। इसमें 8 से 10 किलो तक मशरूम के उत्पादन का काम हो सकता है। इस किट की कीमत भी कम रखी गई है, जिससे कि लोग घर में ही मशरूम का उत्पादन करके खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस किट के माध्यम से QR कोड से ही उसकी रेसिपी की जानकारी भी आसानी से मिल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष द्वारा चिकित्सकों के मनोबल को गिराने की कही बात। कोरोना जांच को लेकर हाल ही में किए गए खुलासे को लेकर विपक्ष लगातार बयानबाजी करते नजर आया है। वहीं अब विपक्ष की बयानबाजियों पर सरकार ने भी निशाना साधा है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष अपने बेतुके बयानबाजियों के कारण चिकित्सा कर्मियों के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। कोरोना के माहौल में लगभग 3 दर्जन पुलिसकर्मियों की जान गई है, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य पथ पर बने रहे हैं। चिकित्सा कर्मियों के बदौलत बिहार संक्रमण को रोकने में सफल रहा है। कुछ लोग अगर गड़बड़ी कर रहे हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार अब करेंगे ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल। बिहार विधानसभा में आए परिणाम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक पार्टी में कई बड़े बदलाव किए हैं। इसके साथ ही चुनावी परिणाम को देखते हुए पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उन्होंने आने वाले समय में और भी बदलाव के संकेत दिए हैं, जिसके तहत जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने किचन कैबिनेट के आला अफसर को बदलेंगे। गौरतलब है कि 2005 के विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ नीतीश कुमार सरकार में आए थे, तब से ही उनके और ब्यूरोक्रेसी के अच्छे संबंध की चर्चा हमेशा से होती रही है, जबकि सरकार में मौजूद मंत्री विधायक की एक नहीं चलती है, हमेशा सरकार में ब्यूरोक्रेसी ही हावी रही है। हालांकि अब इसमें बदलाव की खबरें सामने आ रही है। पप्पू यादव ने एक बार फिर चक्का जाम का किया ऐलान। पप्पू यादव केंद्र सरकार के किसान बिल के खिलाफ खूब बयानबाजी करते देखे गए हैं। वहीं अब एक बार फिर से किसानों की तरफ से बुलाए गए चक्का जाम का उन्होंने समर्थन किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पूरे देश में चक्का जाम का आह्वान कल यानी कि 18 फरवरी को किया जाना है। इस बाबत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से जारी किसान आंदोलन अब और भी उग्र होता जा रहा है। केंद्र के 3 नए कृषि कानून को लेकर गतिरोध अभी भी बरकरार है। कानून को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके विरोध में 18 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ भी खूब बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में कोरोना जांच में आई गड़बड़ी के बाद अब राज्य भर में क्वारंटीन सेंटर में भी करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, इसको लेकर उन्होंने इस मामले की जांच की बात भी कही है। ऋषभ पंत को लेकर वॉन ने की विवादास्पद टिप्पणी। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के पहले 2 मैच के बाद दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर है। चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में पहले 2 टेस्ट मैच खेले गए हैं। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने 227 रनों से जहां जीत दर्ज की थी, वहीं दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने 317 रनों से अपने नाम इस जीत को दर्ज किया था। सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के बाद से ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। टीम इंडिया की जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने भी पंत की विकेट कीपिंग की तारीफ की थी, लेकिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का मानना है कि एक टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन से पंत अच्छे विकेटकीपर नहीं बन सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अभी ऋषभ को और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट कंस्ट्रक्शन का काम देखने पहुंचे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक दूसरे के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। वहीं अब मीडिया में उनकी शादी की खबरें भी वायरल हो रही हैं। इसी बीच अब खबरों की माने तो शादी से पहले रणबीर और आलिया अपना नया घर बनवा रहे हैं। इसकी संभावना और ज्यादा तब बढ़ गई जब इन दोनों कपल्स को कंस्ट्रक्शन का काम देखते हुए स्पॉट किया गया। हालांकि इस दौरान रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर भी
साथ में देखी गई हैं, जहां रणबीर कपूर ब्लू शर्ट और कार्गो पैंट में नजर आए, वहीं आलिया व्हाइट टॉप और ब्लैक बूट्स पहने दिखाई दी। उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर जाकर भी कंस्ट्रक्शन का काम देखा। रिपोर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस लॉकडाउन में आलिया और रणबीर ने साथ में काफी वक्त बिताया था। आलिया को कई बार रणबीर कपूर की बिल्डिंग कंपाउंड में भी देखा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कल किसानों की तरफ से रेल पटरी को जाम करने का आह्वान सफल हो पाएगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।